हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा। आपका अनुराधास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की के आटे की रोटी और पूड़ियां, जो बहुत ही इजी बनती हैं। काफी लोगों को ये बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ही इजी लगेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। हमें मक्की की रोटी या मक्की की पूड़ी बनाने के लिए चाहिए मक्की का आटा। ये आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं 1/2 kg ले रही हूँ और इसको हमने गूंद लेना है और बहुत ही इजीली ये बन जाती है। इसमें ना हम कनक का आटा मिलाएंगे ना कुछ, सिर्फ ये प्रॉपर मक्की का आटा है। इसको हमने गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसको हमने वैसे ही गूंदना है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी सूजी फूलनी चाहिए, वैसे ही इसको भी हम थोड़ी देर पहले भिगोकर गूंदकर मतलब रख देते हैं। तो ये फिर थोड़ी आधे घंटे के लिए इसको गूंदकर आप रखिए, देखिए ये कितना सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है और बहुत ही बढ़िया आपकी रोटी बनती है और पूड़ी भी बहुत बढ़िया बनती है। आपने फर्स्ट टाइम पूड़ी ट्राई करके देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और आप ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं फिर इसको आप प्रॉपर नीड करते जाइए तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो फिर आप इसको आधा घंटा रखिए, तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसको गर्म पानी से भी गूंद सकते हैं, जल्दी हो तो इसको आप थोड़ा गुनगुना पानी हो उससे गूंद लीजिएगा तो जल्दी ही ये फूल जाएगा। मैं इसको नॉर्मल पानी से ही गूंद रही हूँ। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दे रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए, आधा घंटा हो गया, अभी हमारा आटा थोड़ा फूल गया है, पर हम इसको अभी भी थोड़ा सा पानी से सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा पानी के छींटे डाले हैं मैंने और इसको अब हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे। थोड़ा टूटता है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा ये क्रैक्स आते हैं इसमें। अब हम इसमें सूखा मक्की का आटा डालेंगे। और गाइस हम अपने चकले पर ये सूखा आटा थोड़ा डाल लेंगे, थोड़ा सूखा आटा चकले पर डाल लेना है। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। हमने पूरी बनानी है इसलिए हम पूरी के लिए छोटी लोई ले रहे हैं, अगर हम रोटी बनाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे। मैं आपको इसी में रोटी भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए हमने ये लिया है, हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है, और गैस को ऑन कर लिया है। हम साथ साथ बनाएंगे और साथ में हमारा घी गर्म हो जाएगा। देखिए गाइस हमने पेड़ा लिया है, पहले आप इसको चाहे हाथ से ऐसे कर लीजिए, अगर नहीं भी तो आप इसको बस आटा अपने चकले पर डालिए थोड़ा सा मक्की का और हाथ से ऐसे करिए, देखिए कितनी बढ़िया घूमती जाएगी। और बिल्कुल भी मोटी नहीं बनेगी और पतली पतली रोटियां आपकी बनेंगी और पतली ही पूड़ियां बनेंगी। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी बन गई है। ये थोड़े क्रैक्स इसमें आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल मक्की का आटा है प्योर, इसमें कोई आटा नहीं हमने मिलाया कि कनक का आटा मिलाया हुआ है। और इसको हमने ऐसे अपना एक्स्ट्रा जो है आटा उसको उसमें डाल लेना है अपने जिसमें आटा रखा हुआ है। और ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी पतली है, बिल्कुल पतली रोटी बनी हुई है। अब हमारा घी गर्म हो जाएगा फिर हम इसके बीच में इसको डालेंगे। गाइस ये हम अपनी प्लेट में रख लेंगे और मैं आपको दूसरे तरीके से भी बनाकर बताती हूँ। अगर आपसे ऐसे नहीं बनती तो आप ये आटे का पेड़ा लीजिए, ये हमने आटे का पेड़ा लिया है और ये इसको अच्छी तरह से करके इसको हमने थोड़ा सूखा आटा लगाना है, सूखा आटा लगाकर और हमने बस इसके ऊपर पॉलीथीन हमने लिया है। आप कोई भी अपने घर में साफ पॉलीथीन ले लीजिए और ये देखिए आप पॉलीथीन के ऊपर भी ये फटाफट घूमती जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए घूम रहा है, पॉलोथीन ही घूम रहा है। आपको अपने हाथ से दूसरी चीज को, चकले को कोई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ घुमाने की। देखिए कितनी बढ़िया बन गई है, और इसकी भी थिकनेस देखिए बिल्कुल पतली है। और इसका एक्स्ट्रा आटा भी आपने जो लगा हुआ है इसमें ऐसे हाथ से झाड़ देना है। ये देखिए बिल्कुल भी टूटने नहीं है, ये थोड़े क्रैक्स आएंगे, बाकी आपकी रोटी जैसे हम आटे की रोटी नॉर्मल पतली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही पतली बन रही है। गाइस देखिए हमारा घी गर्म हो गया है, ये प्रॉपर अच्छी तरह घी गर्म होना चाहिए। अब हमने जो पूड़ी बनाई थी ये देखिए इसको हम ऐसे आराम से डाल देंगे। देखिए गाइस ये लाल हो गई है, अब हमने इसको उतार लेना है। और एक नैपकिन पर हमने जो दूसरी बनाई हुई थी पॉलिथीन पर बनाई है, ये देखिए ये भी हमारी बिल्कुल सही है। अब इसको भी हमने इजिली ऐसे ही ध्यान से डाल लिया। ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो सब्सक्राइब के पास बेल आइकन लगा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी बनी है, प्रॉपर फूली है और कलर भी कितना अच्छा है। देखिए दोनों साइड से इसको लाल कर लेना है हमने। ऐसे ही गाइस हमने सभी बना लेनी है। अब मैं आपको रोटी भी बनाकर दिखा देती हूँ। गाइस देखिए हम ये मक्की के आटे का पेड़ा बना लिया है, हाथ से थोड़ा हम इसको कर लेंगे। और अब हम अपने चकले पर थोड़ा आटा डाल लेंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं, पर आपको मैं इसीलिए रोटी भी बनाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल पतली बनेगी। मैंने गैस पर तवा रख लिया है ताकि पहले से गर्म हो जाए। पेड़ा आप बड़ा कर लिया है, देखिए कितनी पतली रोटियां बनी है। तो मैं दिखाती हूँ, थोड़े से क्रैक आएंगे इसमें, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी रोटी नहीं टूटेगी बिल्कुल भी। और वही प्रोसेस हमने इसको चकले को उठाना है, और जो एक्स्ट्रा आटा है हमने आटे वाले थाल में या जिसमें हमने गूंदा हुआ है उसमें डाल देना है। ये देखिए रोटी हमने ऐसे हाथ में लेनी है और तवे पे डाल देनी है। अगर आप बिना घी की रोटी बनाना चाहते हैं तो देखिए मैं बिना घी की आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस पे बबल आ रहे हैं। और दूसरा तरीका हमारा वही है, कितनी अच्छी सीख रही है। अगर आपने इसको परौंठे की तरह बनाना है तो फिर आप घी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये मैं इसको बिना परौंठे के ही बना रही हूँ, सादा फुलके की तरह बना रही हूँ, इसलिए मैं इस पर घी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। देखिए साइड चेंज कर ली मैंने, आप चिमटे से भी कर सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी फूल रही है। इसको हल्का हल्का अपने हाथ से, कपड़ा हमने लेना है हमारा जो नैपकिन होता है, देखिए अलट पलट कर थोड़ा थोड़ा प्रेस कर हमने इसको, जैसे हम कनक का आटा का फुलका जो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, जो बिगनर्स होते हैं वो भी इसको आराम से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं प्रोसेस कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करते जाइए, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। देखिए गाइस कितनी अच्छी हमारी रोटी सिक गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, पूड़ियों के साथ ही इसको रख लिया है।
गाइज हमारी मक्की के आटे की पूड़ियाँ और रोटी दोनों ही बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। आप भी इसे अपने घर में जरूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनती हैं और कोई इसमें मुश्किल नहीं आती है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।